नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में इस वक्त की 50 बड़ी और अहम खबरों के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। कृषि कानून वापस लेने के बाद पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम, दोपहर 12:50 पर शिलान्यास का मुहूर्त। शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित करेंगे पीएम, 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पहले चरण के निर्माण में 10,050 करोड़ रुपए की लागत, 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने की अफवाह, मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों का दावा, कुछ लोग हुए बेहोश, लोगों की आंखों में हुई थी जलन। अब तक साफ नहीं गैस लीक हकीकत या अफवाह, आंखों में जलन की शिकायत के साथ कई लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में फिर बिगड़ा हवा का हाल, AQI खतरनाक स्तर पर। 54 स्टेशनों में से 93% में आज सुबह हालत गंभीर या बेहद खराब कैटेगरी में। योगी सरकार के मंत्री रघुराज का विवादास्पद बयान, कहा मदरसे हैं आतंक के अड्डे। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा, मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं। संसद सत्र के पहले दिन ही पेश होगा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव, 29 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। मोदी कैबिनेट ने भी दी कृषि कानूनों को वापस लेने पर मंजूरी, अब संसद में पूरी होगी प्रक्रिया। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल, मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कैबिनेट के फैसले पर राकेश टिकैत का जवाब, अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, MSP की हमारी मांग पर हो बात। 27 नवंबर को किसान संगठन की अहम बैठक, 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर होगा आखिरी फैसला। 26 नवंबर को विदेशों में भी मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों का फैसला। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, 25 लाख की किसान शहादत राशि देने का ऐलान। अपनी गिरफ्तारी की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कोर्ट में मामला होने पर फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। अपना दल कृष्णा पटेल ग्रुप ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का किया ऐलान, लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद फैसला। दिल्ली में पीएम मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजन। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दूसरी बार मिली जान से मारने की धमकी, ISIS कश्मीर के नाम से मिला मेल। पटना में लालू यादव की जीप चलाने पर सियासत शुरू, JDU का सवाल, जब तबीयत खराब तब कैसे चला रहे हैं गाड़ी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली में करेंगे रोड शो, वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर आज तक से बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम लोग बाकी मंत्रालयों से भी कर रहे हैं बात, जल्द होगा फैसला। राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस में केटरिंग सेवा बहाल, कोरोना की वजह से अब तक बंद थी सर्विस। मुंबई में राज ठाकरे से मिले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नए घर पर हुई मुलाकात। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने चंडीगढ़ में की होने की पुष्टि, आज तक से बातचीत में कहा जांच के लिए जल्द आऊंगा मुंबई। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कोयंबटूर में राज्य बीजेपी प्रभारी CP राधाकृष्णन के घर पर की मुलाकात। झुंझुनू में राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान वायरल, अधिकारियों से कहा कैटरीना कैफ के गाल जैसी हो सड़क। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ केबल ऑपरेटरों का प्रदर्शन, मासिक बिल 100 रुपए करने के फैसले का विरोध, मुख्य केबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताई नाराजगी। केबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टवे ने सीएम चन्नी के फैसले को बताया तुगलकी फरमान, कहा इससे 5,000 केबल ऑपरेटरों को फर्क पड़ेगा, मुख्यमंत्री से निर्णय वापस लेने की अपील।
दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर भी मुलाकात। भारत सरकार के बिटकॉइन को बैन करने के प्रस्ताव से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% की गिरावट, संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी। 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था, कोरोना पर नियंत्रण और खर्च में तेजी के चलते गोल्डमैन सैक्स का अनुमान। जीएसटी रेट बढ़ाकर 3,00,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना पर सरकार का विचार, जीएसटी रेट को 5% से बढ़ाकर 7% और 18% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव का पैनल करेगा विचार। टैरिफ बढ़ाने से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की आमदनी में होगा तगड़ा इजाफा, केवल 28 दिन में एयरटेल 700 और वोडाफोन आइडिया 540 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएंगे। सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को फिर किया आगाह, कहा बाजार के अफवाहों के आधार पर पैसा ना लगाएं निवेशक। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट शुरू, भारत ने पहले चुनी बल्लेबाजी। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे, दूसरे टेस्ट से कमान संभालेंगे विराट कोहली। श्रेयस अय्यर करेंगे अपने टेस्ट करियर की शुरुआत, अंतिम 11 में शामिल। चोट की वजह से खेल राहुल टीम से बाहर, मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल कर सकते हैं पारी की शुरुआत। स्पिन गेंदबाजों को मदद कर सकती है ग्रीन पार्क की पिच, 3 स्पिनर्स को उतार सकते हैं कप्तान विलियमसन। दुनिया में तेल की किल्लत और लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच अमेरिका से राहत भरी खबर, अपने रणनीतिक भंडार से 50 बिलियन बैरल तेल करेगा बाजार में जारी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने बेलारूस के राष्ट्रपति से शरणार्थी संकट पर की बात, पोलैंड बेलारूस सीमा पर बड़ी संख्या में जमा है शरणार्थी। ईरान और परमाणु प्रसार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था IAEA ने एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ाने की कही बात, सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति। स्वीडन की संसद ने मैग्डलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में दी मंजूरी, हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता बनी थी एंडरसन। ब्रिटिश उपनिवेश रह चुका कैरेबियाई देश बारबाडोस ब्रिटेन से पूरी तरह होगा आजाद, ब्रिटेन की महारानी को हेड ऑफ द स्टेट मानने से किया इनकार।